वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सतसंग तुसी देख रहे हो दा पंजाब लाइव। ते अज आपां गलबात रोटी दे संबंध विच करनी है। बीबियां भैणां दे खास तौर ते सुनन वाली ये वीडियो है। बीबियां भैणां इस नूं अंत तक जरूर सुनियो। असल विच बहुते लोकां नूं लगदा है कि रोटी सिर्फ शरीरक भुख मिटाउण दा एक जरिया है, एक उपाय है, एक तरीका है। पर बहुत सारे सियाने लोग यह मानते हैं कि रोटी नूं जेकर तरीके नाल बनाइए, रोटी बनाउण दे कुछ चीज़ां असीं ध्यान विच रखिए तां बहुत सारे साडे मसले हल हो सकते हैं। अज दी वीडियो दा विशा यही है कि रोटी वेल दे वेले आप बीबियां भैणां इक खास काम करन, उस दे नाल परिवार की सारी दिक्कत दूर हो सकती है, उस दे नाल साडे कई रोग कई समस्यावां दूर हो सकदियां ने, घर विच खुशहाली आ सकती है। इसका बड़ा सौखा तरीका है। पहला भी आप एक बार सांझ पाई सी, अज दोबारा सांझ पा रहे हैं कि असल विच जो रोटी सारे परिवार के मूँह में जाती है, रोटी अपने आप नाल कई किस्म की ऊर्जा लेके जाती है। हुण असी कोशिश ये करनी है, बीबियां भैणां ने कोशिश ये करनी है कि यह ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा होवे, पॉजिटिव एनर्जी होवे। उसका सब तो वधिया सब तो बेहतर हल यह है कि रोटी वेलण दे वेले वाहिगुरु नूं चेते करना है, परमात्मा की उस्तत करनी है। जेकर तुसी उस वेले कोई भी पाठ कर सकते हो बहुत वधिया गल है। पाठ नहीं आउंदा, पाठ नहीं कर सकते तो उस वेले मूल मंत्र का जाप करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहबंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच। जे मूल मंत्र आउंदा है तां इह करो, जे मूल मंत्र भी नहीं आउंदा तां रोटी वेलण वेले रोटी पकाउण वेले वाहिगुरु 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 दा जाप करदे रहो लगातार। इस तरीके दे नाल जिहड़ी भी पॉजिटिव एनर्जी है उह साडियां रोटियां दे विच दी हुंदी होई सारे परिवार तक उसकी वितरण होवेगी, तकसीम हो जाएगी। ये बहुत वधिया एक तरीका है, ढंग है। इस दे नाल पुन भी ने ते फलियां भी ने। पुन यह है कि तुसी सारे परिवार नूं वाहिगुरु नाम दियां तुसी कह सकते हो कि फुलके छकार रहे हो, ते फलियां यह ने कि उस समा जिहड़े वेले असीं बड़ा कुछ होर सोचदे आं कढ देना सी जां गल्लां बातां मारदे आं कढ देना सी, उस समा असीं परमात्मा दे लेखे ला दित्ता, परमात्मा दे चरणां विच ला दित्ता, परमात्मा दे नाम कर दित्ता। हुण कुछ लोग इन्हां गल्लां दे उत्ते विश्वास नहीं करदे कि इस तरह कुछ नहीं हुंदा, होर कुछ नहीं हुंदा। तुसीं इह तां मानदे हो ना कि परमात्मा दा नाम तां ले लिया ना अपनी जुबान तों, बाकी सारियां गल्लां चलो जिहदा दिल करदा है उह रद्द कर सकदा है, पर इह तां रद्द नहीं ना कर सकदा कि जो बीबी जो भैण ने उस वेले वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया है उहदा तां व्यर्थ नहीं ना होया, उहदा तां लेखे लग्गिया। बाकी ये अपने अपनी मनण दी गल है। ये एक सब तो चंगा तरीका है। बहुत सारे लोग ये तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो कहिंदे ने घट्टो घट्ट 20-25 दिन बीबियां भैणां ये तरीका करन, उन्हां नूं नतीजे देखण नूं मिलणगे। पर असली मकसद उन्हां दा ये गलबात कहिंदा ये हुंदा है कि 20-25 दिनां बाद कोई भी आदत साडे शरीर का पक्का अंग बन जाती है, वो आदत साडे नाल पक्की हो जाती है। फिर बीबियां भैणां जद भी रोटियां वेलणगियां रोटियां बनाउणगियां रोटियां पकाउणगियां उदों मूल मंत्र जां वाहिगुरु जाप करदियां रहणगियां सारी अपनी उम्र भर। सो ये एक तरीका है, बड़ा बेहतरीन तरीका है।